अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राजधानी के श्री रावतपुरा सरकार यूनिवर्सिटी में विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों से जुड़ी महिलाओं का सम्मान किया गया। सशक्त भारत का आधार सशक्त महिला थीम पर आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग की सचिव डॉ. मनीषा शुक्ला बतौर मुख्य अतिथि में शामिल हुई। उन्होंने महिलाओं में आगे बढ़ने के लिए जोश भरा। देखते हैं एक खास रिपोर्ट। महिला दिवस के अवसर पर श्री रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय में सशक्त भारत का आधार सशक्त महिला थीम पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम विश्वविद्यालय कैंपस के आस्था मंच में रखा गया। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगान से किया गया। कार्यक्रम में कोरोना काल में उत्कृष्ट सेवा देने वाली कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह में छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग की सचिव डॉ. मनीषा शुक्ला बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई। साथ ही जिला पंचायत अध्यक्ष डोमेश्वरी वर्मा, छत्तीसगढ़ महिला कांग्रेस की सचिव कविता बरुआ भी कार्यक्रम में शिरकत की। इस अवसर पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में विज्ञान संकाय के छात्रों ने गीत और नृत्य तथा विधि संकाय के छात्रों द्वारा अधिनियम आदि कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इस अवसर पर सामाजिक कार्यकर्ता, महिला कमांडो, मितानिन और सरपंच सहित होम्योपैथिक डॉक्टर कोरोना वॉरियर्स को मुख्य अतिथि ने सम्मानित किया। और बाला अवार्ड सिर्फ महिलाओं को दिए गए हैं। यह हम सभी के लिए गौरव की बात है कि ऐसे व्यक्ति को हम अपने बीच पा रहे हैं। महिला सम्मान समारोह के दौरान मुख्य अतिथि डॉक्टर मनीषा शुक्ला ने रफ्तार मीडिया से चर्चा करते हुए श्री रावतपुरा सरकार यूनिवर्सिटी के द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि महिलाओं के उत्थान के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा निरंतर प्रयास किया जा रहा है। आज घरेलू महिलाएं राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में कंधे से कंधा मिलाकर लगातार आगे बढ़ रही हैं। साथ ही महिलाओं को साक्षर करने के लिए भी सरकार की पहल सराहनीय है। उन्होंने कहा कि आधुनिक युग की महिलाएं किसी से कमतर नहीं है। पुराने समय से लेके आज तक में महिलाएं इसीलिए आगे बढ़ पा रही हैं कि सरकार उनको बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दे रही है और उनकी सुरक्षा के लिए बहुत सारी समितियां जैसे महिला परिवार समिति, आंतरिक महिला परिवार समिति और हर स्तर पर हर इंस्टीट्यूट में गठित किया गया है ताकि महिलाएं कहीं पर भी प्रताड़ित ना हो और उनकी सुरक्षा के लिए उन्होंने उनके आगे बढ़ने के लिए पद आरक्षित किए हैं। ये सरकार का बहुत अच्छा प्रयास है। वहीं यूनिवर्सिटी कुलसचिव डॉक्टर प्रताप सिंह ने कहा कि दूर दराज के क्षेत्र में सामाजिक कार्य करने वाली महिलाओं को आज विश्वविद्यालय के द्वारा सम्मान किया गया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि महिलाओं का सम्मान केवल एक दिन ही नहीं बल्कि 365 दिन करना चाहिए। और हमारे आसपास की दूर दराज के क्षेत्र की जो महिलाएं हैं जिन्होंने समाज के लिए कार्य किए हैं, जिन्होंने कोरोना काल में अपने गांव में लोगों की मदद की, उनको हमने यहां सम्मानित किया है। और इस कार्यक्रम का पूरा उद्देश्य हमारा यह है कि जो महिलाओं को सम्मान देकर उनको हम प्रोत्साहित करें जिससे कि वो समाज के लिए एक एग्जाम्पल बने, उनको देख के और भी महिलाएं आगे आएं, उनको हम बराबर का दर्जा दिला सकें। और ये महिला दिवस मेरा ऐसा मानना है कि किसी एक दिन या 8 मार्च को नहीं मनाना चाहिए उनके सम्मान के लिए, जबकि हमें साल के 365 दिन अपने समाज के, अपने देश के, अपने छत्तीसगढ़ के सभी महिलाओं का सम्मान करते रहना चाहिए। श्री रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय में कार्यरत महिला प्रोफेसर की टीम ने महिलाओं को कंधे से कंधा मिलाकर काम करने का संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि आधुनिकता को सोच समझकर पहल किया जाए तो कहीं दुविधा नहीं होती। साथ ही महिलाओं के स्वच्छता पर भी जोर दिया गया है। उनकी माने तो खासकर युवा जोश सभी के मन में होना चाहिए जिससे अच्छे राष्ट्र का निर्माण होता है। आज की महिलाओं को मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि सभी लोग कंधे से कंधा मिला के इक्वलिटी का जो इस बार का थीम दिया हो इक्वलिटी है, तो हमको सभी महिला पुरुष को और अभी जो हमारी यूनिवर्सिटी में हुआ उसी तरीके तहत के तहत काम हो रहा है कि दोनों जन कंधे से कंधा मिला के काम करेंगे तभी इस देश और समाज की उन्नति होगी। आधुनिकता जो हमारे लिए देखा जाए तो वो दो सिक्के के जैसे दो पहलू होते हैं, वैसे हमारा आधुनिकता भी पहलू है। लोग उसको अच्छे चीज़ के लिए भी यूज़ करते हैं, बुरे चीज़ के लिए भी यूज़ करते हैं। और आधुनिक जो जीवन है उसको सही तरीके से यूज़ करें और उसमें जो भी आता है उसको सोच समझ कर उसकी पहल करें। जो गाँव है, गाँव के क्षेत्र में जो लड़कियाँ होती हैं पढ़ने के लिए उनके बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उसके लिए हमें रास्ता निकालना पड़ेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो लड़कियां हैं वो पढ़ सके और आगे बढ़ सके, तभी हमारा देश जो है साथ में आगे। युवा मतलब उम्र से बिल्कुल भी नहीं है, युवा मतलब जोश है,
जो एक सृजनात्मक कार्य के लिए हमेशा लगातार काम करता रहे, सोच उसकी राष्ट्रहित में हो, वही एक युवा है। सभी से निवेदन है कि योग को अपने जीवन में इस तरह से अपनाएं कि आने वाली पीढ़ी भी योगमय बन जाए। श्री रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय के प्रति कुलाधिपति डॉक्टर जे के उपाध्याय ने कुल सचिव डॉक्टर प्रताप सिंह, उप कुल सचिव भानु प्रताप सिंह, उप कुल सचिव चंद्रकांत मोहबिया, उप कुल सचिव संजीव कुमार के साथ संस्थान के समस्त शैक्षणिक व अशैक्षणिक स्टाफ को इस सफल कार्यक्रम के लिए शुभकामनाएं दी। छत्तीसगढ़ से रफ्तार मीडिया के लिए आनंद राणा के साथ स्वरूप भट्टाचार्य की रिपोर्ट। इधर अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी कल्याण संघ के बैनर तले 7 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान किया गया है। छत्तीसगढ़ के समस्त स्कूलों में सन 2011 से 43,000 स्कूल सफाई कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। कर्मचारी विधानसभा घेरने राजधानी रायपुर पहुंचे थे। उनका कहना है कि 2,300 रुपये मासिक मानदेय दिया जाता है, जिसमें परिवार का भरण पोषण कर पाना असंभव है। कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र 2018 में टीएस सिंहदेव ने हमारी मांगों को अंशकालीन से पूर्णकालीन नियमित करने का वादा किया था। सरकार बने 3 साल से ज्यादा हो गया, लेकिन अब तक मांगे पूरी नहीं हो पाई है। अब हताश कर्मियों ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। माननीय पार्टी की सरकार बनवाइए और आप अपना अधिकार। अपने हाथ में रखिए। जय हिंद जय भारत। शाला में दिन भर कार्य लिया जाता है। हमारी नियुक्ति सन 2011 से हुई है। हम बार बार शासन प्रशासन से विनम्र निवेदन किए, परंतु आज तक हमारी मांगों को संज्ञान में नहीं लिया गया। 18 दिसंबर से हम अनिश्चितकालीन आंदोलन पे सुकमा से पद यात्रा करते हुए रायपुर पहुंचे थे, लेकिन कोविड के कारण हमें हड़ताल को स्थगित करना पड़ा और पुनः आज हम 7 मार्च से इस मंच पर उतरे हैं। शासन प्रशासन से हम यही आग्रह निवेदन कर रहे हैं कि हमें अंशकालिक से पूर्णकालिक किया जाए, अन्यथा हम शासन प्रशासन के खिलाफ। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे।